Hello friends, welcome to Pharma Rocks. Today we have to learn about the states of matter. So states of matter, total main four states are available. First one is the solid, second one is liquid, third one is gas and fourth one is the plasma. मतलब कि जो matter जो है हमारा उसके total four state जो है वो available है. एक जो है वो solid है, second liquid, third one is gas and fourth one is the plasma state. So the conversion of states of the various matter is based upon the particle arrangement. मतलब कि कोई भी compound है, समझो कि कोई solid है, तो solid के अंदर जो particle arrangement है वो उसके states पर affect करता है. दूसरा जो है वो based upon the energy of particles. Particles के पास कितनी energy है वो भी affect करता है. और third one is the based upon the distance between the particle. Okay. So particle arrangement, energy of the particles and distance between the particles is main three factors which is related with the states of the matter. ये समझो कि आप particle arrangement change करोगे तो उसके कारण भी states of matter will be change. कि आपको solid में से liquid ले जाओ, liquid में से gas या फिर gas में से फिर plasma. Okay. सो उसमें आप पार्टिकल अरेंजमेंट को चेंज कराओगे. सेकंड वन इज़ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स की एनर्जी आप चेंज करवाओगे तो भी जो स्टेट जो है वो मैटर का चेंज हो सकता है. और थर्ड वन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके, सो दिस थ्री मेन क्राइटेरिया आर देयर इन द स्टेट्स ऑफ मैटर. नेक्स्ट वन इज काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर. सो इन द स्टडी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर दिस थियरी इज इम्पोर्टेंट. The matter is made up of the particles which are continuously in random motion. मतलब कि जो कोई भी matter है वो जो है वो particles का बना हुआ है और वो particles जो है वो continuously क्या करते हैं, motion. So it is called a kinetic theory of the matter. Next देखते हैं हम कि states of matter ने first one जो हमारा जो state है वो है solid. तो solid के अंदर कैसा है कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड वाइब्रेटिंग अबाउट ए फिक्स पोजिशन. जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि पार्टिकल्स जो है वो कैसे है, टाइटली पैक है, एक के पास एक, एक के पास एक, ऐसे कंटिन्यूसली नज़दीक नज़दीक जो है वो पार्टिकल्स जो है सेट है. और दूसरा क्या, वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेटिंग अबाउट ए फिक्स पोजिशन. फिक्स पोजिशन पर वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं. नेक्स्ट है कि सॉलिड हैव ए डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. जो हमारा सॉलिड है कोई भी, उसका आप देख सकते हो कि कोई इसका डेफिनेट शेप भी है और डेफिनेट वॉल्यूम. मतलब कि सॉलिड जो कंपाउंड्स है, सॉलिड कोई भी चीज़ें हैं, उनका जो शेप और वॉल्यूम जो फिक्स रहता है वो इसके कारण है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक है और वाइब्रेटिंग अबाउट ए फिक्स पोजिशन. वाइब्रेशन तो करते हैं पर उनकी पोजिशन क्या है वो फिक्स रहती है. ओके, अब समझो कि आप बाहर से एनर्जी अप्लाई करते हो कोई भी सॉलिड पे, सॉलिड को मिल जाती है एनर्जी. तो अब देखते हैं क्या होता है, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड. पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स आर टाइटली पैक बट आर फार इनफ अपार्ट टू स्लाइड वन अनदर. ओके, लिक्विड्स हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. जो हमारे लिक्विड्स कंपाउंड्स है, ठीक है, उनका जो शेप जो है वो डेफिनेट है. कि समझो कि आप जैसे भी कोई कंटेनर के अंदर फिलअप करते हो तो उसके जैसा शेप जो है वो मेंटेन रखता है. बट सॉरी, उसका जो शेप है वो इनडेफिनेट है कि आप किसी भी में आप उसको फिल करते हो, फिलअप करते हो कोई कंटेनर में, तो उसके जैसा जो शेप वो है वो ले लेगा. बट उसका जो वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगा. कि समझो कि आप कंटेनर चेंज करते हो तो शायद उसका शेप चेंज होगा बट वॉल्यूम विल बी द सेम. कि समझो कि आप 500 ml लिक्विड लेते हो और उसको पहले आप कोई मेजरिंग सिलेंडर के अंदर फिलअप करते हो. ओके, तो वो उसका शेप जो है वो कैसा हो जाएगा, मेजरिंग सिलेंडर जैसा. बट मेजरिंग में से आप समझो कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क या फिर बीकर के अंदर ट्रांसफ़र करते हो, सो वॉल्यूम शुड बी सेम. बट क्या चेंज हो जाएगा, ओनली द शेप. तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड्स आर टाइटली पैक्ड बट आर फार इनफ
अपार्ट टू स्लाइड ओवर वन अनदर. टाइटली पैक तो होते हैं बट उनके बीच में क्या होता है डिस्टेंस, कि जिसके कारण वो एक दूसरे पर क्या करते हैं स्लाइडिंग, एक दूसरे पे स्लाइड होते हैं, जिसके कारण वो इजीली वन कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो. ओके, अब जो लिक्विड है उसको हम देते हैं हीट, तो नेक्स्ट क्या कन्वर्जन होगा उसका गैस में. तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर है. पार्टिकल्स ऑफ गैसेज आर वेरी फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली. सो गैसेज हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम. उनका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है ना भी कोई वॉल्यूम. ठीक है, अब समझो कि गैस को भी हम हीट देते हैं तो नेक्स्ट क्या कन्वर्जन हमें मिलेगा वो है प्लाज्मा स्टेट. नेक्स्ट जो हमें मिलेगा वो है प्लाज्मा स्टेट. ओके, उसके पहले हम ये देख रहे थे कि सॉलिड लिक्विड और गैस के जो कन्वर्जन से वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट इज़ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड. यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फेज चेंज सॉलिड टू लिक्विड है, द टर्म फॉर फेज चेंज शुड बी मेल्टिंग. नेक्स्ट इज हीट मूवमेंट ड्यूरिंग द फेज चेंज. हीट मूवमेंट क्या किस तरह से होगी, तो हीट गोज इन टू द सॉलिड एज इट मेल्ट. हीट जो है वो सॉलिड के अंदर जाती है, जिसके कारण क्या होते हैं उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, और जिसके कारण सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है. ओके, सो सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल ए मेल्टिंग. और जो टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है उससे कहते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट इज द लिक्विड टू सॉलिड, तो लिक्विड टू सॉलिड फेज कन्वर्जन इज कॉल ए फ्रीजिंग. हीट लीव्स द लिक्विड एज इट फ्रीज, मतलब कि जो हीट प्रेजेंट होती है कोई भी लिक्विड के अंदर उसको हम उसमें से निकाल लेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर. सो हीट लीव्स द लिक्विड, मतलब कि हीट जो है वो सिस्टम में से बाहर निकल जाती है उसके कारण वो फ्रीज हो जाता है. नेक्स्ट है लिक्विड टू गैस, लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं वेपोराइजेशन, विच इंक्लूड्स द बॉयलिंग एंड इवापोरेशन. जो इवापोरेशन जो आता है इंजीनियरिंग के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में जो आप इवापोरेशन पढ़ते हो वो है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस. कि समझो कि आप उसके बॉयलिंग पॉइंट तक उसको हीट करते हो कोई भी लिक्विड को तो वो कन्वर्ट हो जाता है बाद में गैस में. ओके, उसकी वेपर बन जाती है उसको, इसलिए उसको कहते हैं वेपोराइजेशन. इसके अंदर क्या होता है हीट मूवमेंट, तो हीट गोज इनटू द लिक्विड एज इट इज वेपोराइज. नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा है गैस टू लिक्विड. गैस टू लिक्विड जो है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. हीट लीव्स द गैस एज इट इज कंडेंस. कंडेंसर्स के अंदर देखते हैं हम किस मेनली जो कंडेंसेशन प्रिंसिपल कहाँ पे यूज होता है, तो स्टीम डिस्टिलेशंस में, जो डिस्टिलेशंस यूनिट डिस्टिलेशन प्लांट्स जो लगे हुए होते हैं कि फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द लिक्विड्स, या फिर आपको डिस्टिल वाटर जो है वो प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कंडेंसेशन प्रोसेस जो है वो ज़रूरी है. कि सबसे पहले हम वाटर को बॉयल करते हैं, उसकी वेपर क्रिएट करते हैं, और जो वेपर जो क्रिएट होती है उसको हम कंडेंस करते हैं, उसको कूल करते हैं, तो गैस विल बी और वेपर विल बी कन्वर्टेड इन टू द लिक्विड. और जो वो लिक्विड मिलेगा वो कम्प्लीटली प्योर और डिस्टिल वाटर होगा, कि जो वेरियस प्रैक्टिकल्स पर्पज़ के लिए जो फिर फर्दर यूज़ होता है. ओके, फिर वाटर फॉर इंजेक्शन बनाने के लिए भी ऐसा ही करते हैं, और उसको फिर नेक्स्ट हमें स्टराइल करना पड़ता है. ओके, सो कंडेंसेशन स्टेप इज़ नेसेसरी. देन नेक्स्ट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या है, तो सॉलिड टू गैस, सॉलिड विल बी डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू द गैस. द हीट गोज इन टू द सॉलिड एज इट सब्लिमेट. सब्लिमेशन प्रिंसिपल जो है कहाँ पे यूज होता है, तो वो आपका एक इक्विपमेंट आता है लायोफिलाइजर, उसको फ्रीज ड्रायर भी कहते हैं. फ्रीज ड्रायर, तो फ्रीज ड्रायर जो है वो सब्लिमेशन के प्रिंसिपल जो है उस पर काम करता है. ठीक है,
कि जो थर्मोलेबल ड्रग्स आती है, कि जो हीट सेंसिटिव है, उनको आपको ड्राई करना हो तो वो फ्रीज ड्रायर वगैरह यूज़ होते हैं, कि जो जीपेट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट वगैरह एग्जाम्स में ये प्रिंसिपल पूछा जाता है कि सॉलिड टू गैस जो कन्वर्जन है उसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, और उस पर कौन से इक्विपमेंट काम करते हैं, तो वो है, एक ही है वो, फ्रीज ड्रायर, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल एज अ लायोफिलाइजर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है वो है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा इज़ एन आयोनाइज गैस। प्लाज्मा इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा लाइक गैसेस हैव एन इनडेफिनेट शेप एंड इनडेफिनेट वॉल्यूम। कि गैस को आप अभी आगे हीट करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा इज़ द कॉमन स्टेट ऑफ मैटर। ओके, अब नाउ ये जो हम देख लेते हैं समरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक ही डायग्राम में आप चारों फेज कन्वर्जन्स जो है वो इजीली समझ पाओगे। कि सबसे पहले देख लो सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर यहाँ पे दिखा हुआ है कि टाइटली पैक इन रेगुलर पैटर्न, वाइब्रेट बट डू नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। फिर यही सॉलिड को आप हीट देते हो, वो कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। लिक्विड में क्लोज टुगेदर विच नो रेगुलर अरेंजमेंट, वाइब्रेट, मूव अबाउट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर। एक दूसरे पे पार्टिकल्स जो है वो स्लाइड कहते हैं। थर्ड वन जो है गैस, कि लिक्विड को भी आगे आप हीट कर दे तो कन्वर्ट विल बी इन गैस। वेल सेपरेटेड विथ नो रेगुलर अरेंजमेंट, वाइब्रेट एंड मूव फ्रीली एट द हाई स्पीड्स। एंड फोर्थ वन इज़ द प्लाज्मा। गैस को आप आगे फर्दर हीट वगैरह दोगे, उसको एनर्जी मिलेगी, तो विल बी कन्वर्ट इन टू आयोनाइज गैस एंड हैज़ ए नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड सेफ एंड कंपोज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल। ओके, सो प्लाज्मा का जो कोई नेचुरल एग्जाम्पल हमें देखना है तो वो है लाइटनिंग। फिर सम प्लेसेज वेयर प्लाज्मा आर फाउंड इज, वन इज फ्लैम, सेकेंड वन इज द लाइटनिंग। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लैम्स, तो जो हमारा सूर्य है, ओके, द सन इज द नेचुरल एग्जाम्पल ऑफ द प्लाज्मा स्टेट। सेकेंड वन इज द लाइटनिंग। लाइटनिंग के अंदर आप देख सकते हो कि लाइटनिंग जब होती है बादलों के बीच में, तो वहाँ पे भी जो कन्वर्ट होता है जो फोर्थ स्टेट वो है प्लाज्मा। देन नॉर्थन लाइट्स, ऑरोरा, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द प्लाज्मा स्टेट। एंड द सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टार इन इट्स प्लाज्मा स्टेट। जो स्टार है प्लाज्मा स्टेट के अंदर वो है हमारा सन।